आज हमारा लास्ट टॉपिक है सेट्स का, और हम आज करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.6। लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि दो सेट हैं, लेट ए एंड बी, बी टू फाइनाइट सेट है, ठीक है, दो फाइनाइट सेट है, और साथ में मैं लेट कर रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है। इसका क्या मीनिंग है कि इन दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? वेन डायग्राम में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए सेट है, बी सेट है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई है, और रेक्टेंगल को हम शो करते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, नंबर एलिमेंट किस में, ए यूनियन बी में, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, दोनों को जमा करेंगे तो क्या वो उसके यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे? देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे या इसमें जितने एलिमेंट होंगे, अगर इनका मैं यूनियन फाइंड करता हूँ तो दोनों के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन के आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। चलिए एक और केस लेते हैं, यहाँ देखें एक सेट है ए बेटा और ये दूसरा सेट क्या है, बी। अब मैं यहाँ पे सेम ऐसे लिखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने हैं और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ये ए यूनियन बी है, दिस इज ए यूनियन बी। अब इसमें अगर हम टोटल एलिमेंट हमें चाहिए तो हम टोटल एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, एक तो नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे आएंगे प्लस बी के एलिमेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें दोनों के एलिमेंट कॉमन हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यूनियन क्या कहती है, जब हम यूनियन करते हैं दो सेट्स का उसका क्या मीनिंग है कि आइदर एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है या दूसरे को बिलोंग कर रहा है। यूनियन क्या कहती है कि एलिमेंट बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ तो बिलोंग करेगा ए को यहाँ करेगा बी को, ऐसा तो नहीं होगा कि बोथ नहीं होगा, लेकिन आपको वो एलिमेंट जो मिलेंगे वो ए यूनियन बी में, अगर ए यूनियन बी है तो वो सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे जो ए और बी दोनों में इकट्ठे करके आएंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो ए में जितने एलिमेंट है वो लिख लिया आपने, जो मैं शेडेड पोर्शन किया मैंने, ध्यान से देखो ये क्या है, क्या ये ए है, ए सेट है, दिस इज ए सेट है, इसमें जितने एलिमेंट मैंने लिख लिए नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब मैंने ये एलिमेंट लेने हैं, अब इसमें कितने एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन एक ए पोर्शन आ जाता है ऐसे करके जो ए में भी है, तो ये वाला पोर्शन चाहिए अब हमें, ये वाला नहीं चाहिए, ये तो मैंने ले लिया, अब बचा ये, इसमें कितने एलिमेंट है इस वाले पोर्शन में जो शेडेड नहीं है, वो कैसे निकालेंगे? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा क्या है, बी सेट है, और ये जो शेडेड पोर्शन नहीं है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जो शेडेड पोर्शन नहीं है
ए आ गया शेडेड पोर्शन। अब आपने इसमें से जो एलिमेंट है वो लेने हैं, वो इसमें ऐड करने हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन भी है डबल शेडेड वाला, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अनशेडेड पोर्शन क्या, मैं ये लिखते हैं कि नंबर ऑफ बी माइनस जो कॉमन है वो निकाल दिए, वो नहीं चाहिए आपको। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया प्लस दिस पोर्शन, और ये क्या पोर्शन है, ठीक है। तो ये यूनियन हुआ दो सेट का। तो ये आपके पास एक फार्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास फार्मूला, और इसी फार्मूले के बेस पे 1.6 एक्सरसाइज बेस्ड है, समझ आ गया। अब इसी फार्मूले को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और तीन सेट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो सेट लिए, तीन सेट ले रहा हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके बेस के भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको गिवन है नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ वाई इज इक्वल 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, और फाइंड करना आपने नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो, वी नो दैट ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो है वो है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले के चार पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, और आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें तीन पार्ट आपको गिवन होंगे, एक पार्ट आपने फाइंड करना है। अगर यहाँ पे मैं ए और बी को एक्स वाई से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या मेरा फार्मूला ऐसे आएगा, एक्स यूनियन वाई नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो, आपको ये गिवन है नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई गिवन है, एक्स यूनियन वाई ये गिवन है, तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लेते हैं देयरफॉर ऐसे कर देंगे, तो हमने ये फाइंड करना बेटा। तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं और इसे राइट हैंड ले जाएं। यहाँ यह क्या तरीका है कि आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, फिर उसके बाद देखते हैं जो बचा वो आपने फाइंड करना है। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है तो 38, नंबर ऑफ एक्स कितना बेटा 17, नंबर ऑफ वाई कितना है, और ये आपने फाइंड करना है, डायरेक्ट कर लो, सॉल्व करके देखो कितना आएगा 38 और ये कितना 40, और आप ये इधर ले जाए तो ले जाएं क्या आ गया नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 38 2, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कहते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, और 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, एंड हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट ई मान लेते हैं हु स्पीक इंग्लिश, दो तरह के लोग हैं हमारे पास, एक हिंदी बोलते हैं दूसरे इंग्लिश बोलते हैं, तो उसे हम एच से डिनोट करते हैं, हु स्पीक हिंदी, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट हमें दिया है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और आगे क्या गिवन है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश।
जब एंड शब्द लगता है तो वो यूनियन होता है कि इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। तो फिर आपको क्या गिवन है, एच इंटरसेक्शन ई कितना गिवन है, फाइंड करना आपने। लेकिन उसने ये कहा कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो 400 हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल कौन हुए, इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले। इसका मतलब आपको क्या गिवन है, एच यूनियन ई आपको गिवन है 400। आप समझ आ गया, तो तीन पार्ट आपको गिवन है, एक पार्ट आपने फाइंड करना है। तो एच और ई यहाँ पे हम ए को मान के चलेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लें वी नो दैट, आप खुद ही ए और बी को चेंज कर लें। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखो, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो जो जो गिवन है वो उसमें पुट कर देते हैं। ये कितना आपको गिवन है, नंबर ऑफ एच कितने देते हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, और दोनों जो बोलते हैं वो आपने फाइंड करने कि कितने लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो सॉल्व कर लें, 400 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, द नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दोनों लैंग्वेज बोलने वाले आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, 450 माइनस 450, दिस योर आंसर। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप सारी चीज़ें लिखोगे। यहाँ पे आप सीधा इसको मत लिखा, सीधा ए बी शुरू कर दो, ये नहीं करना। आपको जो स्टेटमेंट दी है आपको वहाँ पे ए और जो बी हम यहाँ पे जनरली ले रहे हैं सेट, आपको डिफाइन करना है जैसे उस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो दो तरह से हमारे पास यहाँ लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने सी मान लिया कि वो हु प्ले क्रिकेट एंड टी हु प्ले टेनिस। तो दो सेट आ गए हमारे पास, सी और टी, ए और बी रिप्लेस हो गए हमारे। अब क्या कह रहा है कि 65 पीपल हैं, अगर 65 पीपल हैं तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी हमें गिवन होगा। फिर बेटा ग्रुप का मतलब क्या, टोटल, जो हमारे पास टोटल हैं दैट इज ग्रुप, तो वो कितने हो गए, 65। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है वो 40 लाइक क्रिकेट, तो नंबर ऑफ सी कितने आ गए, 40। नेक्स्ट हमारे पास क्या, उसने हमारे पास और क्या है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लोग दोनों प्ले करते हैं, दोनों गेम्स प्ले करते हैं। दोनों का मतलब क्या, बोथ का मीन क्या है, कि हमें क्या गिवन है, इंटरसेक्शन। तो एन सी इंटरसेक्शन टी हमें गिवन है 10। ओके, अब देखो क्वेश्चन, तो ये हमारे पास गिवन है, अब हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड कह रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, कितने लोग सिर्फ टेनिस खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं, हाउ मैनी प्ले, हाउ मैनी प्ले टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। और दूसरा उसने पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी हैव नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये हमारे पास फार्मूला है। क्या इस फार्मूले में से आपको तीन पार्ट गिवन है, 1 2 3 गिवन आपको, तो हमारे पास यहाँ से एक पार्ट निकलेगा, ठीक है। क्या पार्ट निकलेगा, देखो ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, और ये गिवन है। तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड करना है,
यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो रहा है, नंबर ऑफ टी। नंबर ऑफ टी का क्या मतलब है, टेनिस खेलने वाले। अब यहाँ पे दो तरह से आंसर है पूछ रहा है वो, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड हाउ मैनी प्ले टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। प्ले या लाइक जो भी शब्द है यहाँ पे, पहले में टेनिस बोला है, दूसरे बोला है कि केवल टेनिस बट क्रिकेट नहीं, इसका क्या मीनिंग है। चलो इसको समझाता हूँ। पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले प्लेयर निकाल लेते हैं, कितना आ गया 65, ये 30, उधर जाके क्या हो गया, तो 35 लोग क्या कर खेलते हैं टेनिस। अब आप याद रखें कि जो ये टेनिस खेल रहे हैं ना, इसमें कुछ प्लेयर जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये जो हमारे पास 35 आया ना, ये कौन आया, हाउ मैनी लाइक टेनिस, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो लोग टेनिस खेलते हैं उसमें से कुछ लोग जो है क्रिकेट भी तो खेलते होंगे, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन कह रहा है कि हाउ मैनी प्ले टेनिस ओनली, हमने सिर्फ अब टेनिस खेलने वाले बताने हैं। अब देखो वेन डायग्राम से समझते हैं, ये देखिए ध्यान से देखना, ये आगे क्रिकेट खेलने वाले और ये आगे टेनिस खेलने वाले। अब देखो हमारे पास जो यूनियन आता है वो दोनों के मिला के आते हैं, और कुछ इसमें एलिमेंट ऐसे लोग हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो दोनों में होते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, दोनों खेलते हैं। मतलब अगर ये मान लो यहाँ पे 10 लोग खेल रहे हैं, तो इसमें जो 10 में ये कुछ यहाँ पे भी हैं जो दोनों खेल रहे हैं, वो टेनिस भी खेल रहे हैं और कुछ लोग केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। टेनिस में जब हमारे पास यहाँ 35 आ रहा है, इसकी हमारी टी की वैल्यू यहाँ पे जो है 35 आ रहा है, इसको मतलब ये पूरा सेट जो है टी, इसमें 35 पीपल हैं। अब उन 35 पीपल में ये कुछ पोर्शन है ये जो मैंने शेडिंग किया है, ये कौन से हैं जो कॉमन है, जो दोनों गेम खेलते हैं, समझ गए। इसलिए यहाँ पे इसने सिर्फ लिखा हाउ मैनी लाइक टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस मतलब टेनिस खेलने वाले कितनी संख्या है, तो उसमें क्या आएगा, वो भी लोग हो जाएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझे। तो ये जो 35 आया ये कौन आया, टेनिस खेलने वाले, पर इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। अब हमने फाइंड करना ओनली टेनिस खेलने वाले। अब ओनली कैसे निकालेंगे यहाँ बताओ, सिर्फ मैं ये क्या करूँगा, किसको किस में से माइनस करूँगा, कॉमन टेनिस खेलने वालों से जो कॉमन है वो माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ क्या था पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस ओनली, कौन होंगे वो, टी माइनस सी। टी में से हमने सी वाले माइनस करने हैं, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आ गया है, ये डिफरेंस ऑफ सेट भी है कि हमने टी का ही एलिमेंट लेने हैं लेकिन सी के नहीं लेने। तो टी में कितने हैं 35, सी वाले निकाल लेने हैं। और यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। देख लो सिर्फ हमने टी अगर निकालना है तो इस टी में से ये जो कॉमन पोर्शन है ये माइनस कर दूंगा। कॉमन पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, सी इंटरसेक्शन टी। तो सी इंटरसेक्शन टी उल्टा कर दिया मैंने, इससे फर्क तो कोई पड़ता नहीं है। तो नंबर ऑफ टी में से हमने जो कॉमन निकाला सिर्फ मेरे पास ये जो पोर्शन आएगा जो अनशेडेड है ये क्या आएगा, ओनली टेनिस प्लेयर। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो एन टी, और कॉमन खेलने वाले कितने हैं, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, तो 25 ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टेनिस ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सिमिलरली यही क्वेश्चन क्रिकेट में भी हो सकता है कि वो लोग, जैसे हम वो पूछ सकता है कि ये वो लोगों की वो लोग बताओ जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं पर टेनिस नहीं खेलते, उस मामले में क्या होगा, ये क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं,
40, उसमें से निकाल देंगे कॉमन तो कितने बच जाएंगे, तो 30 कौन है, ओनली क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक है सेट फिनिश हुआ।